तो दोस्तों अभी जो शाम का समय है, ये छठ पर्व जो है सो दो दिन का होता है। आज सझिया रख है और कल सुबह फिर होगा, उसे परना बोला जाता है, क्योंकि भोरवा घाटे लोग देहाती भाषा में भी बोलते हैं। तो अभी जो है सूर्य जो है सो ढल चुका है, वो आप लोग देख रहे हैं, सूर्य वो ढल रहा है। तो अब ये पूजा जो है सो संपन्न होने के कगार पर होंगे, पूजा संपन्न होने के कगार पर होगा, क्योंकि ये पर्व जो है सो पूरी तरह सूर्य भगवान का ही है। तो वो अस्त होते हैं तब उनका पूजा किया जाता है, जब वो उगते हैं तब उनका पूजा किया जाता है। आइए दोस्तों हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं आज। ये देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा घाट सजा हुआ है, जो भी बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। इसे चैती छठ, छठ दो छठ होता है साल में, ये चैती छठ है तो इसमें थोड़ा सा कम भीड़ होता है, बहुत कम लोग करते हैं चैती छठ। तो देखिए उस पार भी लोगों का जमावड़ा है, कुछ लोग उधर भी हैं और ज़्यादा मात्रा में इधर है, क्योंकि नदी का जो इधर होता है वो किनारा, नदी का गढ़ा इधर थोड़ा कम है, इसलिए लोग इधर ज़्यादा रहते हैं और उस पार थोड़ा कम लोग हैं। देखिए सभी लोग अब डाला उठा के चल दिए हैं, तो सभी लोग अब जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य जब ढल चुका है आप लोग देख रहे हैं। सभी माताएं बहनें अब यहाँ से छठ घाट से अब सभी लोग अब चल पड़ेंगे यहाँ से, अब फिर कल सुबह सभी लोग आएंगे जी। नमस्ते दोस्तों, सुबह का ये 5:15 बज रहा है और देखिए किस तरह आसमान में ललाट उठ रहा है, छठी मैया किस तरह अब उगने के लिए तैयार हैं। देखिए महज अब चंद मिनट में, 15 से 20 मिनट में अब आपको सूर्य उदय हो जाएगा। और देखिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि एक छठ का जो डाला है सभी जा रहा है, रास्ते में ही है। देखिए डाला के ऊपर दीपक एक जलाकर रखा जाता है, यही एक सौंदर्य बढ़ाता है डाला का, क्योंकि डाला के ऊपर दीपक जलाया जाता है। जिनका हाथी मना रहता है उनको ये लगाना पड़ता है उनका। इसमें हर तरह का फल जो है कि यूज़ किया जाता है इस पर्व में, एक छठी व्रती जो कि अपने घाट को सजाती हैं उन पर डाला को खोलकर उनका सामान सब निकाल कर वहाँ पर रखती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि अभी आ ही रहे हैं घाट पे, क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। किस तरह सामान को उठा कर लोग रख देती हैं। पानी में छुआकर सूर्य भगवान को दिखाकर अर्घ दिया जाता है। ऐसे ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है यहाँ पर छठ पर्व में, जितनी छठी व्रती हैं वो सब
सूर्य के तरफ, सूर्य भगवान इधर है तो वो लोग अर्घ देती हैं। तो देखिए दोस्तों, डाला जो है सो अब उठने लगा है घाट पर से। अब सभी जितने भी छठी व्रती हैं वो लोग अब यहाँ से वो लोग निकलने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उन अब वो लोग पूजा खत्म हो चुका है। तो वो लोग अब अपना जो भी है सामान वगैरह अब इकट्ठा कर रही हैं, डाला में रख रही हैं। उसके बाद अब जो उनके परिजन होंगे वो लोग डाला लेकर घर की तरफ प्रस्थान कर देंगे। देखिए क्योंकि सूर्य उदय जब हो चुका है तो पूजा की समाप्ति यहीं पे हो जाती है। और देखिए कैसे लोग अब अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। यही एक सौंदर्य दृश्य होता है इस पर्व का। जितने भी छठी व्रती है वो सब वो लोग आज 3 दिन से ये लोग भूखे होंगे ये लोग। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे घाट अब खाली हो रहा है तो अब हम भी छठी मैया को अब अलविदा कहते हैं। जय छठी मैया। ऐसे ही आप सभी पर कृपा बनाए रखिए, हर साल ऐसे ही आप आएँ और लोगों के जीवन में शांति सुकून और उन्नति लाएँ। जय छठी मैया। रास्ते में जो भी धार्मिक स्थल पड़ता है उन सभी को पूजा जाता है। यहाँ पर बहुत पुराना पीपल का पेड़ है ये, और सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं घाट से। और वीडियो के माध्यम से मैं और भी चीज़ आगे दिखाता रहूँगा आप लोगों को। दोस्तों ये ब्लॉगर सुधांशु राय का चैनल है।